Speaking at a press conference in Lucknow, Samajwadi Party spokesperson Rajinder Chaudhary lashed out at the BJP and its leader Amit Shah, who is a close aide of Saffron Party's prime ministerial nominee Narendra Modi. Chaudhary accused Shah of playing dirty politics and inciting communal hatred among citizens. Reacting to Shah's remark that people should vote for the BJP if they want to take revenge from those who did injustice to them during Muzaffarnagar riots, the Samajwadi Party spokesperson said Shah has a dangerous mindset. उन्होंने धमकी दी है. अमित शाह ने कहा कि मुसलमानों को भयभीत करने के लिए चुनाव के बाद मुजफ्फरनगर दंगों का बदला लेने की उन्होंने धमकी दी है. अमित शाह का यह बयान भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और मतदाताओं को डराने धमकाने वाला भी है. इसकी शिकायत आचार संहिता का जो उल्लंघन उन्होंने किया है, इसकी शिकायत प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने आज निर्वाचन आयोग भारत को की है. ये इस तरह का आचरण भारतीय जनता पार्टी का जो फासिज्म है वो स्पष्ट होता है, प्रमाणित होता है. उनका न लोकतंत्र में विश्वास है, न संविधान में विश्वास है. Chaudhary said that the BJP is scared of the Samajwadi Party and its popularity in Uttar Pradesh. He added that the Saffron Party leaders are desperate to get some votes and that is why its leaders are making goading remarks. और ना इनका हिंदुओं से कोई लेना देना है, ना मुसलमानों से कोई लेना देना है. सिर्फ एक ऐसी जमात वो तैयार कर रहे हैं जिससे जो हिंदू भी है और मुसलमान भी है उनका भाईचारा भी नष्ट हो जाए और देश में फासिज्म हो और वो आग उगलते हैं मुसलमानों के खिलाफ. और जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर जनादेश मिला है 5 साल का और भारी बहुमत की सरकार है और 2 साल में श्री अखिलेश यादव जी ने जो काम किया है वो उससे भी ये चिढ़े हुए हैं. चूंकि गुजरात में कोई विकास का मॉडल ऐसा नहीं है जिसका ये बार बार जिक्र करते हैं. This report was brought to you by NNIS.